गाइस आप लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे सर एनसीईआरटी के ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का वीडियो बनाइए कि हमारे क्वेश्चन कहां से लिए जाएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस हमारा है। आप मुझे एक चीज बताइए, यदि डिपार्टमेंट ऑफिशियल सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं करेगा जब तक मैं आप लोगों को कैसे बोल सकता हूं? बिकॉज रीजन क्या है, जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है वो आप लोगों का रोड मैप होता है। अभी ऐसा नहीं है, कई सारे टीचर तो आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे एनसीईआरटी का कोर्सेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहां पर जब तक मेरे को क्लियर कट रास्ता नहीं मालूम है, मैं आप लोगों को कैसे गाइड कर पाऊंगा? बिकॉज मैं यदि आप लोगों को कोई स्टडी करा रहा हूं तो मैं आगे आगे चलूंगा, आप मुझे फॉलो करोगे। जब मुझे ही रास्ता क्लियर नहीं है, डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं दिखाया, तो मैं आप लोगों को कैसे वीडियो बना दूं या कैसे बोल दूं कि ये आएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर बिलीव करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है चैनल के ऊपर कि मैं कोई एक्सपेक्टेड या कुछ ऐसी चीजें बता दूं जिनके ऊपर बिलीव ना किया जा सके। तो फाइनली एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके एग्जाम पैटर्न को पब्लिश कर दिया गया है और अब मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कट बता सकता हूं कि क्या कुछ आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। यदि कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वह 6 अक्टूबर 2021 है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि डिटेल वाली वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट को क्लियर किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर वीडियो को देखिए। एंड यदि आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यदि आप यहां पर देखोगे क्लिक टू रीड एग्जाम पैटर्न, यहां पर सिंपल आप क्लिक करोगे, आप लोगों का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, देन आप लोग जो है ऑफिशियल पैटर्न को देख पाओगे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं पीडीएफ की ओर और वहां पर समझते हैं क्या कुछ इन्होंने पैटर्न रखा है, क्या पॉसिबिलिटी हम लोगों की बन सकती है। तो यहां पे हम देख लेते हैं गाइस, यदि हम लोग इसके पैटर्न की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन पैटर्न, जितने भी हमारी पोस्ट हैं लाइक मेंटेनेंस एसोसिएट, मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सिविल की बात करें, या प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात करें, या टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें, या टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन की बात करें, फिटर की बात करें, वेल्डर की बात करें, तो ये सभी पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन्होंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर क्या किया है, यहां पर क्लियरली बोला है कि जो टोटल मार्क्स आप लोगों के रहने वाले हैं वह 100 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि यहां पर जो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा, तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के कितने रहेंगे, 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर क्लियरली उन्होंने बोला है कि जो आप लोगों के 100 क्वेश्चन है उनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। ईच सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चन, हर सेक्शन में आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 सेक्शन रहेंगे, दोनों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोगों को 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट देते हो तो 1/3 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आप लोगों की निगेटिव मार्किंग भी रहनी है। अब यहां पे थोड़ा सा दोनों सेक्शन को समझ लीजिएगा कि भाई दोनों सेक्शन आप लोगों के क्या है। देखिए यदि मैं सेक्शन ए की बात करता हूं तो सेक्शन ए में यहां पर क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल एबिलिटी एवं रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, इंग्लिश हिंदी एवं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक से आप लोगों का सेक्शन ए मिलकर बनता है और इस सेक्शन ए में आप लोगों के टोटल 50 क्वेश्चन रहने हैं। गाइस यदि हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में आप लोगों के 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये आप लोगों का जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है, वो आप लोगों के डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यदि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में तो यहां पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से फॉर्म को फिल किया है तो जो 50 क्वेश्चन है वो आप लोगों की ट्रेड से रहेंगे। यदि आप लोगों ने फिटर से अप्लाई किया है तो फिटर ट्रेड से यहां पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई किया है तो आप लोगों के डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो जो सेक्शन
सेक्शन भी है वो आप लोगों के पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्लियर है ना। तो ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर यदि मैं पार्ट बी की बात करूं तो टोटल ट्रेड थ्योरी आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, जितने भी चैप्टर है वो कहीं से भी आप लोगों का क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि हम पोस्ट की बात करें तो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का हमारा जो पोस्ट था, जिसकी यदि क्वालिफिकेशन की बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड इसके समकक्ष यदि किसी ने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है या बीएससी इन सब से की है तो अप्लाई कर सकता था। इसमें जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस से ये टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 है एंड टोटल मार्क्स उनका 100 है, सेम 1 मार्क्स उनको दिया जाएगा एंड 1/3 यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में उन्होंने क्लियर किया है। अब देखिए थोड़ा सा आईटीआई स्टूडेंट्स की गाइस यदि मैं बात करूं तो यदि हम सेक्शन ए में देखते हैं तो ये भी 50% वेटेज रख रहा है अपने सिलेक्शन में और सेक्शन बी भी 50% वेटेज रख रहा है। यदि मैं सेक्शन ए की बात करूं, जनरली आईटीआई स्टूडेंट्स का जो सेक्शन ए है वो वीक रहता है, लेकिन यहां पर भी वो कहां पर फोकस करके नंबर को चुरा सकते हैं। देखिए यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स, यहां से आप लोगों को मार्क्स मिल सकते हैं, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से आप लोगों को मार्क्स मिल सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी यहां से मार्क्स मिल सकते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस से मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें क्या है आप लोगों के टॉपिक फिक्स हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इनको आप फोकस कर सकते हो। लेकिन यदि मैं बात करूं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की, एंड जनरल साइंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से आप लोग क्वेश्चन को चुरा सकते हो, लेकिन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करूं तो बहुत ही लंबा सिलेबस है, वो कहां से देगा क्या देगा उसने टॉपिक तो क्लियर किए नहीं है हम लोगों को। तो यहां पर इतना फोकस ना करके इन टॉपिक पर आप सेक्शन ए में फोकस कर सकते हो और सेक्शन बी की तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है आप लोगों को। यदि आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो तो टेक्निकल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, चाहे आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो या फिर फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस भी चैनल पर रेगुलरली चल रही है एंड अपना टॉप 50 टेक्निकल क्लासेस की सीरीज भी जो है चल रही है, डेली नाइट में 9 बजे आप लोगों की क्लासेस रहती है तो जरूर अटेंड कीजिए करिए। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि भाई क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब आप लोगों का सारा माइंड क्लियर है कि भाई हम लोगों को फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीजें हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, सब कुछ आप लोगों को रोड मैप मिल गया है। तो डेफिनेटली फॉर्म फिल करिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।